ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो श्रीमद्भागवतम महापुराण स्कंद 6 अध्याय 9 और आज का श्लोक संख्या है 33। तो ये श्लोक जो है ये लंबा है और प्रोस फॉर्म में है, इसको गाया नहीं जा सकता। फिर भी अगर आप लोग बोलना चाहें तो एक एक बोल लिएगा, बाद में पहले मैं बोल लेता हूँ और फिर अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम शब्दार्थ करेंगे। ओम नमस्ते अस्तु भगवान नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुषा महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवला जगत आधार अलौकिक नाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परम हंस परिव्राजक परमेणात्म योग समाधिना परिभावित परिस्फुट परमहंस्य धर्मेण उद्घाटित तम कपाट द्वारे चित्ते प्रावित आत्मलोके स्वयं उपलब्धा निज सुखानुभवो भवान। ठीक है, बोलेंगे या आगे चलें? आगे चलें, चलिए शब्दार्थ कर लेते हैं। ओम हे ईश्वर, नमः नमस्कार ते आपको, अस्तु हो भगवन हे भगवन नारायण समस्त जीवात्माओं के वास नारायण वासुदेव भगवान वासुदेव श्री कृष्ण आदि पुरुष महापुरुष महानुभाव परम ऐश्वर्यवान परम मंगल परम शुभ परम कल्याण परम आशीर्वाद परम कारुणिक परम कारुणमय केवल परिवर्तन रहित जगत आधार दृश्य जगत के अवलंबन लोक एक नाथ समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी सर्व ईश्वर परम नियामक लक्ष्मीनाथ भाग्य देवी के पति परम हंस परिव्राजक समस्त संसार में भ्रमण करने वाले सर्वोच्च सन्यासी के द्वारा परमेण अत्यंत आत्मयोग समाधिना भक्ति योग में मग्न परिभावित अत्यंत शुद्ध परिस्फुट तथा पूर्ण प्रकट पारमहंस्य धर्मेण भक्ति की दिव्य विधि को संपन्न करके उद्घाटित खोला हुआ तमा अज्ञान का कपाट जिसमें किवाड़ द्वारे द्वार पर स्थित चित्ते मन में अपावृते कल्मषहीन आत्मलोके आत्मजगत में स्वयं अपने आप उपलब्ध
अनुभव करके निज स्वयं के अपने सुख अनुभव, सुख का अनुभव भगवान आप। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदिपुरुष, परम अनुभव, साक्षात मंगल, हे परम वरदान स्वरूप, अत्यंत कृपालु तथा अपरिवर्तनीय, हे दृश्य जगत के आधार, हे समस्त लोकों तथा प्रत्येक पदार्थ के स्वामी तथा लक्ष्मी देवी के पति, आपका साक्षात्कार शेष संन्यासी ही कर पाते हैं जो भक्ति योग में पूर्णतः समाधि मग्न होकर सारे विश्व में कृष्णा भावनामृत का उपदेश देते हैं। वे अपने ध्यान को आप में ही केंद्रीभूत रखते हैं, अतः अपने शुद्ध अंतकरण में आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। जब उनके हृदयों का अंधकार पूर्णतः हट जाता है और आपका साक्षात्कार होता है, तब उन्हें आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों के सिवा और कोई आपका अनुभव नहीं कर पाता, अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। ठीक है, समझ में आया। भगवान के बहुत से नाम लिए गए हैं देवताओं के द्वारा, मेरे ख्याल से 15 नाम हैं शायद। तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान का अलग अलग नामों से भगवान का आह्वान किया है। एक तरीके से इस श्लोक में नाम संकीर्तन ही हो गया। तो अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य, विभिन्न कोटि के साक्षात्कार के अनुसार भक्तों तथा दिव्य ज्ञानियों ने श्री भगवान को अपने अपने अनेक दिव्य नाम प्रदान किए हैं। जब निराकार रूप में उनका अनुभव किया जाता है तो वे पर ब्रह्म कहलाते हैं। जब परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है तो अंतर्यामी कहलाते हैं। और जब वे भौतिक सृष्टि के लिए विविध रूपों में विस्तार करते हैं तो शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा कारणोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। जब उन्हें चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में, जो विष्णु के उक्त तीनों रूपों से परे हैं, अनुभव किया जाता है तो वे वैकुंठ नारायण कहलाते हैं। नारायण के अनुभव से ऊपर बलदेव का अनुभव है और उसके ऊपर कृष्ण का अनुभव है। ये सभी साक्षात्कार तभी संभव हैं जब कोई पूरी तरह से भक्ति में लगा रहे, तभी हृदय के बंद कपाट खुलते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूपों को समझा जा सकता है। यहाँ शिला प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। ओम अज्ञान तिम्रांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं दधाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्री उत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाक्षर श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं सावदेतं सावदूतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् विशाक्षी। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनते नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुना श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुना। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्षक्तिकं। नमो महावदन्ये कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतशे नमः। नमो भ्रमर देवाय गौब्रह्महिताय च जगद्दाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ओम नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वंदे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर की तरफ से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें आशीर्वाद दें कि हम भगवत महाभागवत पुराण के इस श्लोक के ऊपर कुछ बोलने का साहस कर सकें। तो विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर आपको मालूम ही है, फिर भी बता देता हूँ जो लोग नए हैं या पहली बार कथा में है कि ये जो प्रार्थनाएं चल रही हैं, देवता लोग बड़े कष्ट में आ गए हैं, देवताओं के ऊपर प्रहार हुआ है, उनको काफ़ी कष्ट में है वृत्तासुर के द्वारा और वो अब भगवान के पास पहुँचे हैं और भगवान के पास कुछ इच्छा लेकर के गए हैं कि उनको इस कष्टों से जो है मुक्ति प्राप्त हो, जो वृत्तासुर उनको कष्ट दे रहा है, तो वो भगवान की शरण में गए हैं और भगवान का यहाँ पर विभिन्न प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ये स्तुति चल रही है, देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति चल रही है। तो जब जीव कष्ट में होता है और भगवान की शरण लेता है तब उसको पुण्य आत्मा कहा जाता है। तो देवता सभी पुण्य आत्मा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वत्रशपा। तो ये आर्थ है, देवता लोग अभी आर्थ है, दुखी है। तो जो श्लोक है आज का, इसको एक दफा दोबारा ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक का क्या अर्थ है। हे भगवान, क्या है इसका अर्थ है, हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, परम अनुभव, साक्षात मंगल, हे परम वरदान स्वरूप, अत्यंत कृपालु तथा अपरिवर्तनीय, हे दृश्य जगत के आधार, हे समस्त लोकों तथा प्रत्येक पदार्थ के स्वामी तथा लक्ष्मी देवी के पति। इतने नामों से संबोधित करने के बाद अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं देवता लोग, आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी ही कर पाते हैं। मतलब आपको समझना हमारे बस की बात नहीं है, देवता लोग कह रहे हैं, हम आपको नहीं समझ सकते। कौन समझ सकता है, श्रेष्ठ सन्यासी ही कर पाते हैं जो भक्ति योग में पूर्णतः समाधि मग्न होकर सारे विश्व में कृष्णा भावनामृत का उपदेश देते हैं। देवता कह रहे हैं जो सन्यासी हैं, जो परिव्रजकाचार्य हैं, जो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं और जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दिया है, वही आपको समझ सकते हैं। वे अपने ध्यान को आप में ही केंद्रीभूत रखते हैं, अतः अपने शुद्ध अंतकरण में वे आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। जब उनके हृदयों का अंधकार पूर्णतः हट जाता है और आपका साक्षात्कार होता है, तब उन्हें आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों के सिवाय और कोई आपका अनुभव नहीं कर पाता, अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो ये श्लोक का जो है ये अर्थ है कि आपको कौन समझ सकता है जो पूरे विश्व भर में आपके नाम का प्रचार कर रहा है, नाम का प्रचार, आपकी कथा का प्रचार। तो इस श्लोक को सुनने के बाद आपको कोई मिलता जुलता श्लोक कुछ स्मरण हो रहा है, इससे मिलता जुलता इस श्लोक से जो संबंधित हो, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें गोपियों ने यही वाहत कही है और आप पूरा एक महीना कार्तिक मास में उस गोपी गीत को गाते रहे हो और वो श्लोक दो बार आता है। कौन सा,
तब कथामृता ताप्त जीवना कवि विरीडिता आलमसाप श्रवण मंगला सीमदातता भुवि गणन्ति ये भूरिदा जना भुवि गणन्ति ये भूरिदा जना। तो जो देवता यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं यही प्रार्थना गोपियों ने की। भुवि, भुवि मतलब इस भूलोक में गणंती जो आपके नाम का गायन करता है, आपकी कथा का गायन करता है। भूरिदा जना, भूरिदा जना मतलब उससे परोपकारी व्यक्ति कोई है ही नहीं, कोई नहीं। जो आपके नाम और आपके कथा प्रचार में लगा हुआ है पूरे विश्व में, लगातार भ्रमण कर रहा है, ऐसे सन्यासी इससे ज्यादा परोपकारी कोई है ही नहीं। ये बात गोपियों ने कही और यही बात आज देवता भगवान को कह रहे हैं। तो लेकिन आज का जो हमारा श्लोक है उसमें अगर हम जाएं तो श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो भगवान के नाम इतने लिए, विभिन्न प्रकार के नाम लिए गए हैं देवताओं के द्वारा, तो प्रभुपाद कहते हैं विभिन्न कोटि के साक्षात्कार के अनुसार भक्तों तथा दिव्य ज्ञानियों ने श्री भगवान को अपने अपने अनेक दिव्य नाम प्रदान किए हैं। जब निराकार रूप में उनका अनुभव किया जाता है तो वे पर ब्रह्म कहलाते हैं। जो निराकारवादी हैं उनकी पहुंच कहां तक होती है? भगवान की ब्रह्म ज्योति तक होती है, उससे अधिक उनकी पहुंच नहीं होती। तो यहां प्रभुपाद कहते हैं कि वो निराकार रूप में उनका अनुभव किया जाता है तो पर ब्रह्म कहलाते हैं, और जब परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है तो अंतर्यामी कहलाते हैं। तो जो योगी जन होते हैं वो भगवान को अपने हृदय में परमात्मा के रूप में देखते हैं, और जब वे भौतिक सृष्टि के लिए विविध रूपों में विस्तार करते हैं तो फिर अनेक रूपों से शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, फिर उसके ऊपर भी बताया गया है कि चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और फिर उसके ऊपर वैकुंठ नारायण, और फिर बलदेव, और फिर भगवान कृष्ण, अनेक प्रकार की उसमें भी स्टेजेस हैं। तो कौन सा किस स्तर पे है तो वो अलग अलग रूप से भगवान को समझा जा सकता है। तो बताया गया है परम सत्य को तीन तरह से समझा जा सकता है, कैसे? ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति शब्दते। प्रभुपाद ने इसका बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन किया है कई जगह पे, जैसे सूर्य की किरणें, वो कौन है? जो ब्रह्म ज्योति में भगवान को देखते हैं, और सूर्य की सतह जो अंतर्यामी भगवान को अपने हृदय में देखते हैं, और स्वयं सूर्य जो भक्तगण हैं भगवान के रूप को देखते हैं। तो जो सूर्य को समझ लेता है, जिसने सूर्य को देख लिया, सूर्य को प्राप्त कर लिया, उसके लिए फिर सूर्य की सतह को देखना, सूर्य की किरणों को देखना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो भक्त लोग हैं वो भगवान के साथ जुड़ते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो जो भ्रमेति है, जो भ्रम ज्योति में जो केवल पहुंचते हैं वो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं और भगवान भक्त हैं। तो क्या अंतर है ज्ञानी में और भक्त में? एक दफा भगवान राम जब अयोध्या में अयोध्यापति बन गए भगवान राम, और राज्य चला रहे थे, और माता सीता जो हैं उस वक़्त गर्भवती थी, तो उस वक़्त प्रतिदिन प्रतिदिन बहुत से ऋषिगण, संत महात्मा आया करते थे अयोध्या में, और तरह तरह की कथाएं
सुनाई जाती थी ताकि सीता माता उन कथाओं को सुने। एक गर्भवती स्त्री के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो अपने मन को और अपने चित्त को भगवान की कथाओं में लगाए रखे। तो ये वहाँ पर कथाएं होती रहती थीं। तो एक दफ़ा जो जनक महाराज के कुल गुरु शतानंद जी, शतानंद महाराज, वो और हनुमान जी के बीच में वार्ता होती है। तो ये प्रश्न हनुमान जी पूछते हैं शतानंद जी से कि गुरुवर, ज्ञान में और भक्ति में क्या अंतर है। तब उनका बड़ा सुंदर वो उनका जवाब देते हैं शतानंद जी। कहते हैं ज्ञान जो है एक जलते हुए दीपक के समान है। वो दीपक तेल और बत्ती पे आश्रित रहता है। दीपक जल रहा है, ज्ञान उस दीपक के समान है। जहां दीपक जलता है वहां अज्ञान नहीं रह सकता, अंधकार दूर हो जाता है। दीपक जल रहा है, लौ जल रही है, कितना ही वर्षों का अंधकार हो, कितने ही वर्षों का अंधकार हो, लेकिन दीपक के जलते ही वो अंधकार तुरंत समाप्त हो जाएगा, एक क्षण नहीं लगेगा। लेकिन भक्ति, भक्ति जो है स्वयं प्रकाश में एक मणि के समान है, जो स्वयं प्रकाशित है, भक्ति मणि के समान है। तो कभी कभी माया की आंधी में दीपक बुझ जाता है। जब माया की आंधी चलती है तो दीपक बुझ सकता है, लेकिन जो मणि है, जो स्वयं प्रकाश में है, उससे उस माया की आंधी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम देखते हैं अजामिल की कथा हमने भागवतम में सुनी। ब्राह्मण कुमार थे, ब्राह्मण के पुत्र थे, ज्ञानी थे। बिल्लो मंगल ठाकुर जी के बारे में आप जानते हैं कि उनका जो आरंभिक जीवन, वो भी ब्राह्मण कुमार थे, लेकिन प्रारंभिक जीवन में उनका पतन हो गया। माया की आंधी ने उनके जलते हुए दीपक को बुझा दिया। लेकिन हरिदास ठाकुर, जो स्वयं प्रकाश में मणि के समान थे, प्रज्वलित थे, और माया की आंधी उनको बुझा नहीं पाई, क्योंकि पूर्ण रूप से भक्ति का आश्रय, पूर्ण रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे, पूर्ण रूप से आश्रय ले रखा था। तो इस तरीके से ये तीन जहाँ प्रभुपाद ने बताया है कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो भगवान के फिर आगे बता रहे हैं कि अनंत विस्तार हैं, भगवान के विस्तार हैं। महाविष्णु, गर्भोदक्ष है विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, चतुर्व्यूह, उसके बाद में फिर बलदेव, फिर श्री कृष्ण। तो इसको समझना चाहिए के जितने भी भगवान के विस्तार हैं, एते चांश कलापुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, ये भगवान के अंश हैं और अंश के अंश हैं, पूर्णांश या अंश के अंश जितने भी हैं, लेकिन कृष्णास्तु भगवान स्वयं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मिडयन्ति यगे यगे। तो भगवान जो है, जब इंद्र के शत्रु परेशान करते हैं देवताओं को, इंद्र को, तब भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। तो यही बात जो है भगवान स्वयं भी कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं साधु की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान का हम जो स्वभाव है वो देख रहे हैं कि भगवान जैसे भी हैं, जो भी भगवान को शरणागत होता है, पूर्ण रूप से होता है या कैसे भी होता है, चाहे
वो कोई कामना लेके जाता है या कोई बिना कामना के जाता है, भगवान उन सब का पोषण करते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है। अकाम सर्व कामोवा मोक्ष कामा उदारति तीव्रेण भक्ति योगे न प्रजेते पुष्यम पर्व। तो कैसे भी करके हम भगवान की शरण लेते हैं, हमारी स्थिति जो भी है तो भगवान भक्तों का पोषण करते हैं, छोड़ नहीं देते। तो देवी देवताओं का भी जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई इन्होंने भगवान से पास गए और भगवान से प्रार्थना की कि स्तुतियाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको समझ नहीं पा रहे। एक बार शिला प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण गोस्वामी जी से पूछा, क्या आपने श्रीमद् भागवतम का कवर पेज देखा है, बाहर का पेज? तो तमाल कृष्ण गोस्वामी जी ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि भगवान की जितनी बड़ी सृष्टि है उसका 3/4 भाग आध्यात्मिक जगत है, जो मानवीय कल्पना से परे की बात है, सोच भी नहीं सकते आप। 3/4 भाग, 1/4 भाग जो है वो भौतिक सृष्टि है, 1/4 भाग में पूरी भौतिक सृष्टि है। और उस भौतिक सृष्टि में क्या क्या है, उस भौतिक सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के महाविष्णु के रोमकूपों से निकलते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड। और उन ब्रह्मांडों में जो है एक श्वास के बराबर उसकी आयु होती है उस ब्रह्मांड की। और ब्रह्मा जी कहते हैं और भगवान के बारे में क्या बताएं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। तो भगवान का जो है जो रूप है अनंत रूप है, भगवान के सृष्टि को हम सोच नहीं पहुंच नहीं सकते, और आध्यात्मिक जगत की छोड़ो भौतिक ब्रह्मांड को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को छोड़ो, एक ब्रह्मांड को नहीं जान सकते। तो प्रभुपाद कहते हैं कि 1/4 जो है वो भौतिक जगत है और 3/4 आध्यात्मिक जगत है, और 1/4 में अनेक ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड में अनेक अनेक ग्रह हैं, अरबों खरबों ग्रह हैं, उसमें एक ग्रह पृथ्वी ग्रह है और उस पृथ्वी ग्रह पर कई देश हैं, उस कई देश में एक देश जो है वो भारत है, और भारत में कई राज्य हैं, कई राज्यों में कई शहर हैं, और कई शहरों में कई कस्बे हैं, और उस जगह एक घर में और एक कमरे में आप तमाल कृष्ण गोस्वामी वो कहते हैं, आप सोचते हो कि आई एम द ग्रेट मैन। क्या स्थिति है हमारी, पूरा ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड जीवों से भरे पड़े हैं, कोई जगह खाली नहीं है। नित्यो नित्या नाम चेतना चेतना नाम एको भव नाम यो विद्याते कामान। भगवान सब जीवों का पालन कर रहे हैं, सब जीवों का, कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं है कितने जीव हैं। तो वास्तव में जब देवी देवता नहीं समझ पा रहे भगवान को, तो फिर आम आदमी की क्या औकात है कि भगवान को समझ सके। तो भगवान के पास हम क्यों जाते हैं? तो भगवान के पास देवता लोग गए हैं और स्तुति कर रहे हैं, और मन में उनके ये इच्छा है कि हमारे को जो है वृत्तासुर से हमारी मुक्ति हो, वित्तासुर से हमारे को जो है कष्ट। तो भगवान उनकी स्तुतियों को सुन रहे हैं और भगवान प्रसन्न भी होंगे, लेकिन वास्तविक रूप से भगवान प्रसन्न नहीं है। भगवान प्रसन्न क्यों? कि वो लोग क्या मांग रहे हो, तुम लोग किसके पास आए और मांग क्या रहे हो, क्या क्या पा सकते हो तुम मेरे को प्रसन्न करके, और तुम मांग क्या रहे हो? ये
ये स्थिति जो है ये बड़ी ही सोचनीय है, सोचने का विषय है कि देवी देवताओं ने कह दिया कि आपको हम नहीं जान सकते। इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया कि हम आपको जान नहीं सकते। आपको कौन जान सकता है? जो सन्यासी हैं, आपके नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो जान सकते हैं। जो आपकी शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं वो जान सकते हैं। इसका मतलब देवी देवता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम शुद्ध भक्त नहीं, हम आपको नहीं जान सकते। भाई क्यों नहीं करते शुद्ध भक्ति आप? भगवान कह सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी किसी को एक बांधते नहीं। कह सकते हैं कि क्या कमी है तुम्हारे को, क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें, सब कुछ है तुम्हारे पास। अगर एक बच्चा कहे माता पिता से कि पिताजी मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, अच्छी बात है पढ़ाई करना, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, तो माता पिता क्या कहेंगे? सब कुछ दिया है तेरे को, क्या कमी है, क्यों नहीं पढ़ता? तो इसका जवाब है, इसी तरीके से भगवान कह सकते हैं कि भाई ये क्या बात है, आप कहते हो जी ये जान सकते हैं, मैं नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकते? आपको किस चीज की कमी दी है? सारे ऐश्वर्य सारे सुख दिए हैं, बस यही तो कमी है। ये ऐश्वर्य और सुख ही तो भगवान हमें आपके पास नहीं आने दे रहे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये जो भोग और ऐश्वर्य है जिसमें हम आसक्त हैं, ये भगवान से हमें मिलने नहीं देता, नहीं मिल पाते हम भगवान से। और कितनी भी हम भगवान को स्तुतियां कर लें, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान तो जानते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयन् सर्वभूतानि मायारोणीयन्। तो सबके हृदय में वास करता हूं, आप बोलो या मत बोलो किस कारण से आप मेरे पास आए हो मैं सब जानता हूं। हमारा स्वभाव होता है अभी जब हमको कुछ चाहिए होता है तो पहले हम उसका गुणगान करते हैं, गुणगान करने के बाद फिर अपने मन की बात को रखते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं वेदाहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यवाणी च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। क्या मांगने आया है मेरे से? अपनी स्थिति को नहीं देख रहा कि जितना भी तुम्हारे पास ऐश्वर्य है, जितना भी तुम सुख भोग रहे हो, इंद्र को देखो, भगवान वामन देव आ गए उनके पास और उन्होंने क्या मांगा? अपना राज्य मांगा। बलि महाराज के पास जाओ, मेरा राज्य वापस लेकर के आओ। या देवता स्तुति कर रहे हैं कि वृत्तासुर से हमारी जान छुड़ाओ। कितना ऐश्वर्य कितना भोगोगे? तो एक इंद्र का काल जो है एक मनु से अधिक नहीं होता, एक मनु का काल जितना होता है उससे अधिक इंद्र, मैक्सिमम इतना ही। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं और एक मनु के काल तक ही इंद्र रहता है, और देवतागण तो उतना भी नहीं रहते। हमारे 6 महीने उनका एक, हमारे 6 महीने उनका एक दिन होता है, हमारा 24 घंटा एक साल होता है, उनका 24 घंटा हमारा एक साल होता है। तो इस तरीके से कितना 35-36 हजार वर्ष समझ लीजिए साधारण जो देवता है, 35-36 हजार वर्ष। लेकिन हमारी आयु कितनी है और हम कब तक रहेंगे? हमारी आयु कितनी है और हम कब तक रहेंगे? जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी हमारी आयु उतनी ही है जितनी भगवान की आयु है। जब से भगवान है तब से मैं हूं, और जब तक भगवान रहेंगे तब तक मैं रहूंगा। फिर ये 100, 50, 200 साल, 500, 1000, 10, 20 साल की क्या मायने रखती है, क्या मायने रखता है ये? तो हम नित्य हैं, नित्य नित्य नाम नित्य हैं, हमारा कभी हम कभी पतन नहीं हो सकता। तो फिर क्यों ना हम इस बात को समझें कि कब तक
जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के चक्र में फंसे रहना, कब तक? आखिर कभी तो सोचना पड़ेगा। चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, ये तो सोचना चाहिए कि ये किराए के मकान से कब अपने मकान में जाना है। इस संसार में जो लोग थोड़े समझते हैं इस बात को और बदलते रहते हैं, जिनको मकान बदलना पड़ता है, उनको पता है कि मकान बदलने में कितना, एक मकान से दूसरे मकान में जाने में कितना कष्ट होता है, और कभी भी नोटिस आ जाता है या मकान खाली करना है, वो सोचता है व्यक्ति के अपना एक मकान हो जाता तो कम से कम ये बार बार की दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ती। तो जब इस संसार में हम सोच सकते हैं कि हमें अपना मकान चाहिए, तब फिर भगवान कहते हैं मूर्ख, तू अपने परमानेंट मकान की बात क्यों नहीं सोचता? ये भी तो मकान है ना, बार बार बदलना है, क्या मतलब है उस बात को न कह करके हम कह रहे हैं कि जी हमारी जो है आप वितासुर से रक्षा कर दो। तो भगवान जो है मन में मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, किस पे? हमारी मूर्खता पे, मूर्खता पे। कि मैं क्या दे सकता हूं और मुझसे क्या मांग रहा है, यही यही बात समझने की है। तो भगवान के विषय में सब कोई जान भी नहीं सकता, और जैसे देवता तुम कह रहे हैं, भगवान भी कहते हैं कि मेरे दिव्य स्वभाव को जानना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुना नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृता। मैं सबके सामने अपने आप को प्रकाशित भी नहीं करता, ढक के रखते हैं भगवान, माया के द्वारा ढक के रखते हैं, और माया के द्वारा ढक के न रखें तो ये संसार चलेगा भी नहीं। संसार को चलाना है भगवान को, तो अज्ञान हमारे मन और मस्तिष्क में जब तक नहीं रहेगा तब तक हम संसार में नहीं रह सकते। अज्ञान का होना बहुत जरूरी है, अज्ञान ही हमें इस संसार में परिश्रम करवाता है, अज्ञान के द्वारा ही हम इस संसार में सारे रिश्ते नाते जोड़ते हैं, सबको अपना मानते हैं, भगवान की तरफ पीठ कर लेते हैं, तो संसार की तरफ मुख कर लेते हैं अज्ञान। भोक्ता पक्षी और साक्षी पक्षी भोग रहा है, जीवात्मा वृक्ष के फल खा रहा है, कभी खट्टा कभी कड़वा फल कभी मीठा फल, लेकिन भगवान रूपी जो साक्षी पक्षी है उसकी तरफ पीठ कर रखिए, नहीं देख रहा। तो भगवान इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जीव मेरी तरफ वास्तव में मुड़ेगा और मुझे अपना सुहृद समझेगा, अपना मित्र समझेगा। तो भक्त लोग जो होते हैं, जो भगवान की शरण ले लेते हैं, वो इस तरीके से उनकी सोच नहीं होती। जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिले तो क्या प्रश्न किया सनातन गोस्वामी ने, क्या कहा महाप्रभु से? के आमी, मैं कौन हूं और मेरे को ये त्रिताप क्यों कष्ट दे रहे हैं, क्यों कष्ट दे रहे हैं? ये प्रश्न सनातन गोस्वामी ने किया। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी अपनी पदवियां छोड़ करके महाप्रभु के शरणागत हो गए। रघुनाथ दास गोस्वामी इतना बड़ा साम्राज्य, नरोत्तम दास ठाकुर, क्या था इनके मन में जो उन्होंने पूरे भरे पूरे संसार को, इतने बड़े साम्राज्य को, अपने अपने इतने ऐश्वर्य को छोड़ करके भगवान की शरण ली? तो वास्तव में स्थान का बड़ा ही प्रभाव होता है, किस स्थान पे आप हो। न तो बहुत ज्यादा सुख में, जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुख है तब आप भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते। जब आगे आप पढ़ेंगे, जब इंद्र जो है
वृत्तासुर का वध करेंगे, उसके बाद में उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और वो 1000 साल तक वो अपने आप को एक कमल की नाल में छुपा लेंगे और इंद्र का सिंहासन खाली हो जाएगा। तब महाराज नूश को निवेदन किया जाएगा, महाराज नूश कि आप चल के इंद्र का सिंहासन संभालिए। तो महाराज नूश ज़्यादा उसमें नहीं रखते थे, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे जाने का, लेकिन उनको जब निवेदन किया गया, उन्होंने जा करके जब वहाँ पहुँच गए स्वर्ग में और इंद्र की सिंहासन पर बैठ गए, तब उनके मन में विचार आया, अब मैं इंद्र बन गया, अब मेरे को क्या चाहिए, इंद्राणी भी चाहिए। जो इंद्र की पत्नी है सची माता, उसको बुलाया जाए, वो उसको मैं भोग करूंगा। तो स्थान बदलते ही विचार बदल गए, उसको भोग करूंगा। और फिर कैसे न कैसे करके सची माता को उससे छुटकारा मिला और इनको श्राप मिला और अगले जीवन में ये अजगर बने महाराज नूश। तो स्थान का बड़ा प्रभाव होता है, आप कौन से स्थान पे हो और किसके साथ संग कर रहे हो और क्या खा रहे हो, ये तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। किस स्थान पे हो और किन का संग कर रहे हो, अगर स्थान आपका दूषित है और संग आपका वैष्णव है तो बात बन जाएगी। और क्या खा रहे हो, भगवत प्रसाद खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। तो महाप्रभु के आने से पूर्व भगवान को जानना या भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। ये हमारा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिसको अभी हम उसका पूर्ण रूप से आंकलन नहीं कर सकते कि हमारा जो जन्म हुआ है वो महाप्रभु के आविर्भाव के 500 वर्ष बाद हुआ और उसी परंपरा में हमें शिला प्रभुपाद मिले, गुरु परंपरा मिली। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये जितने भी भोग और ऐश्वर्य हैं इनसे संतुष्टि नहीं होती, ये कामनाएं और बढ़ती हैं, आग की तरह जलती हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, संतुष्ट नहीं हो सकता। देवतागण को कितना भी भोग ऐश्वर्य मिल जाए लेकिन वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, सुख और शांति वहां भी नहीं। भगवान कहते हैं नास्ते बुद्धि रायतस्य न चावता शांति, जो मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है उसको सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये हमारे को सीख मिलती है कि भाई किस तरीके से महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। आपका जन्म हो चुका है भारत भूमि पे, अब आपको क्या करना है, पहले तो अपना जन्म सार्थक करना और फिर दूसरों को परोपकार करना। तो कैसे हो सकता है परोपकार और कैसे हो सकता है अपना जीवन सार्थक, कैसे हो सकता। तब बड़ा ही हमारे को सरल मार्ग दिखाया हमारी वैष्णव परंपरा ने, महाप्रभु ने क्या बताया, बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। अतः श्री कृष्णामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, ये जो भगवान का कृष्ण है, भगवान है, नाम है, ये हमारी इंद्रियां ग्रहण नहीं करती इसको, भौतिक इंद्रियां भगवान के नाम को सुनना पसंद नहीं करती, भगवान के रूप को देखना पसंद नहीं करती, ये इंद्रियां बड़ी कलमश बड़ी कुलुषित हो चुकी है, क्या किया जाए। तब अगली लाइन में कहते हैं कोई बात नहीं, सेवान मुखे ही जीवा दो सोमेव स्वर्दी यदा, कुछ नहीं करना, आपको जीवा को सेवा में लगा दो, बस सारी इंद्रियों को छोड़ दो, सारी इंद्रियों को छोड़ करके क्या करो, सेवा जीवा से सेवा करना शुरू कर दो, जीवा से भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और इसको कृष्ण का भोग लगा हुआ प्रसाद खिलाना शुरू कर दो।
अगर दो काम ये कर लेंगे तो बात बन जाएगी। तो ये महाप्रभु ने जो हमारे ऊपर सबके ऊपर कृपा की है, जो देवता लोग भी ललायित रहते हैं और देवता लोग कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इतनी बड़ी आयु लेकर के हम क्या करें, अगर हमारे कुछ पुण्य कर्म बचे हैं हे भगवान तो हमें क्या करो, भारत भूमि में जन्म दे दो, क्योंकि हम समझ गए हैं कि ये हरे कृष्ण का महामंत्र कर करके हम जो है अपने विचारों को, इस भोग वासना को खत्म करके हम अपने घर लौट सकते हैं, अपने घर लौट सकते हैं। तो ये जो महाप्रभु हैं और नित्यानंद हैं, ये परम परम करुणाई, इनसे जैसा कोई अवतार नहीं है। तो एक छोटा सा भजन है, हम दो चार लाइन गाएंगे, आप भी हमारे साथ गाइए। परम करुणा पहु दोई जना नेताई गौर चंद्रा, सब अवतारा सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा, सब अवतार के शिरोमणि हैं गौर निताय, सब अवतारों के शिरोमणि। परम करुणा पहु दुई जन, ये जो दो जन हैं कौन, गौर और निताई, ये परम करुणा है। पहु दुई जन निताई गौर चंद्रा, सब अवतारा सारे शिरोमणि केवल आनंद गंदा, केवल आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी, विषय छड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि, बोला है कि आपको क्या करना है, सुदृढ़ विश्वास करना है, दृढ़ता पूर्वक विश्वास करो और विषयों की तरफ ध्यान मत दो। ये जो इंद्रियां है ना, ये विषयों की तरफ भागती हैं, इन विषयों की तरफ ध्यान मत करो और भगवान गौर निताय के रस में डूब जाओ। मुखे बोलो हरि हरि, देखो रे भाई त्रिभुवन नाई ए मन दयाल दाता, पशु पाखी झूरे पाषाण विदरे सुनी यार गुण गाथा, पूरे त्रिभुवन में ऐसे दयाल दाता नहीं मिलेंगे जिनके गुण सुनकर के पशु पाखी भी बड़े झुरित हो जाते हैं और पाषाण पत्थर भी पिघल जाते हैं। संसारे मजिया रहिले पड़िया से पदे नहिल आशा, आपन करम भुंजाय शमन कहे लोचन दासा, तो मैं लोचनदास जी कह रहे हैं मैं संसार में पड़ा रहा, विषयों में लगा रहा और मुझे भगवान की तरफ गौर निताई की तरफ मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और अब अपने कर्मों के स्वरूप अब मैं यमराज का दंड पा रहा हूँ। तो इस तरीके से, इस भावना से हमको ये देखना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमको करना क्या है। ये 150 वर्ष की हमारी आयु, इसको बेकार नहीं गंवाना है और हमें अपने घर वापस लौटना है, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। श्री प्रभुपाद ने कहा चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
राम राम। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है कुछ करता हूँ। दंतराज भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी।